भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे कल्याण में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की को इंस्टाग्राम पर दोस्ती करना महंगा पड़ गया है। कल्याण में रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की से 4 लड़कों द्वारा दुष्कर्म करने का मामला कुलसेवाड़ी थाने में दर्ज किया गया है। दर्ज शिकायत के आधार पर कुलसेवाड़ी पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है। पीड़ित युवती कल्याण पूर्व इलाके में रहती है। पीड़िता के मुताबिक कुछ दिन पहले ही उसके दोस्त साहिल से हुई थी दोस्ती। मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी वजह से मुझ पर शक करती है, ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। साहिल ने नाबालिग लड़की से कहा कि तुम घर पर आ जाओ मेरे उल्लासनगर में, और जिसके बाद साहिल पीड़िता को उल्लासनगर ले गया और घर ले जाकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया। इस घटना से पीड़िता लड़की डर गई, उसके बाद वह अपनी सहेली के घर चली गई। साहिल ने फिर फोन करके अगले दिन उसे अपने घर वापस बुलाया। इस समय साहिल के 3 दोस्त भी थे। इन तीनों ने बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। इस बीच पीड़ित लड़की के परिजनों ने कुलसेवाड़ी थाने उसके नाबालिग लड़की की लापता होने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर पीड़ित लड़की को ढूंढ निकाला। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 युवकों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के नाम है साहिल राजभर, सुजल गवली और विजय बेरा है, और एक नाबालिग आरोपी है बाल सुधार गृह में भेजा गया है। और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेंद्र देशमुख के मार्गदर्शन में सब इंस्पेक्टर दत्तात्रेय घोड़े द्वारा आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। इस पूरी घटना को लेकर दत्तात्रेय घोड़े पुलिस उप निरीक्षक ने क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। हमारे कुलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक 15 साल की लड़की किडनैप हुई, ऐसा हमको उसकी माँ ने कंप्लेंट दर्ज कराया था। तो उसको हमने ढूंढा, उसके बाद उससे पता चला कि उसका एक फ्रेंड था जो उसने उसको झूठ बुला के उल्लासनगर में बुलाया और उसके साथ अत्याचार किया। ये 19 तारीख की बात है और उसके अगले दिन 20 तारीख को उसी लड़के ने उसी लड़के को एक फ्रेंड के रूम में लेके गया। उसके 3 दोस्त वहाँ आए, उन्होंने भी उनके साथ अत्याचार किया। तो लड़की का स्टेटमेंट लेने के बाद गैंगरेप कलम बढ़ाए और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। गैंगरेप में कितने लोग शामिल थे? टोटल 4 थे, तो 4 लोगों को अरेस्ट किया है। आज उनको हाजिर किया था न्यायालय में, तो 5 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दे दिया है। लड़के का बैकग्राउंड कैसा? लड़के का बैकग्राउंड मतलब वो पढ़ाई छोड़ दी है उसने, और अभी ऐसा बेकार है, कोई काम धंधा नहीं कर रहा है। ये वसार गाँव है जो अंबरनाथ कल्याण तालुका जो नेवाई के आ गया था, सर गाँव वाकई।